दोस्तों, आज इस वीडियो में यूरोडायनेमिक स्टडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूरोडायनेमिक स्टडी, जिसको हम कई बार सिस्टोमेट्रोग्राम बोलते हैं, या कभी कभी कंबाइंड सिस्टोमेट्रोग्राम विद ईएमजी बोलते हैं, या कभी कभी यूडीएस के नाम से बोलते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे ब्लैडर यानी मसाने यानी पेशाब की थैली के फंक्शन के बारे में हमें बताता है दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते हैं, बहुत बार बीमारी पेशेंट की जो होती है यूरिन से संबंधित, कि यूरिन खुल के नहीं निकल रहा है, या बार बार जाना पड़ रहा है, या कभी कभी बिल्कुल ही रुक जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम बहुत बार तो सोचते हैं कि पेशाब के रास्ते में शायद कोई रुकावट होगी। बट कुछ पेशेंट्स में ये ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली है, ये कमज़ोर भी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो पेशाब नहीं कर पाते। आमतौर पर इस कमज़ोरी को समझने के लिए कि कमज़ोरी कितनी है, क्या इससे कोई किडनीज में डैमेज तो नहीं हो रहा, या फिर ब्लैडर की कैपेसिटी क्या है, या फिर मसाने को हम आगे रखरखाव में उसके आगे कैसे बर्ताव करें, इन सब को जानने के लिए हम एक टेस्ट सुझाव देते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लैडर ख़राब तो नहीं है, कितना काम कर रहा है, और इसका रखरखाव कैसे करना है, क्या इससे किडनी में कोई डैमेज तो नहीं होगा, इन सब जानकारियों को लेने के लिए हमें एक टेस्ट का सुझाव देना पड़ता है, जिसको हम यूरोडायनेमिक स्टडी कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, इन सब टेस्ट के साथ आते हैं दोस्तों। बट अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ ब्लैडर की शक्ल सूरत देख सकता है, वो ये नहीं बता सकता कि आपका जो मसाना है वो कितना ताकतवर है, या कितने प्रेशर के साथ यूरिन को बाहर निकालता है, या कितने ml यूरिन पर, कितने यूरिन के बाद वो बताता है कि हाँ हमें पेशाब की सेंसेशन हो रही है या पेशाब महसूस हो रहा है। तो इन सब फंक्शंस को देखने के लिए यानी ब्लैडर के काम को देखने के लिए हमें यूरोडायनेमिक्स टेस्ट की सलाह देते हैं और इस टेस्ट को करते हैं। तो दोस्तों, यूरोडायनेमिक स्टडी के अंदर हम कुछ नलकियों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक नलकी, जिसको हम बायोल्यूमिनल कैथेटर कहते हैं, उसको हम पेशाब के रास्ते से डालते हैं, और एक नलकी को हम लैटिन के रास्ते से डालते हैं, जिसमें एक बलून होता है। ये सभी नलकियाँ जो हैं एक मशीन से जाके कनेक्ट होती हैं, इसको हम यूरोडायनेमिक मशीन कहते हैं, और ये यूरोडायनेमिक मशीन फिर एक कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, और फिर जो भी हमारे रिकॉर्डिंग्स प्रेशर की हैं, जो हमारे पेट में प्रेशर बन रहा है, जो हमारे मसाने में या पेशाब की थैली में प्रेशर बन रहा है, ये सब प्रेशर को ये रिकॉर्ड करता है और एक ग्राफ बन के आता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या क्या पता लगता है इसके बारे में समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट की। जब हम पेशाब को भरते हैं, यानी कि बाहर से जो नॉर्मली हम पानी नसों से चढ़ाते हैं, उसी पानी से हम मसाने को भरते हैं इस टेस्ट में, तो जब ये धीरे धीरे करके मसाना भरा जाता है, तो हम देखते हैं कि मरीज़ को किस लेवल पर जाके कितने ml पेशाब भरने के बाद महसूस होने लगता है कि पेशाब है। तो आमतौर पर जो मरीज़ होते हैं वो 50 से 100 ml पेशाब जब मसाने में इकट्ठा होता है तो बता पाते हैं कि हाँ हमें पेशाब महसूस हो रहा है। इसके बाद 150 ml पे उनको पहली बार पेशाब जाने का मन करता है, फिर 300 से 400 ml पे जब भर जाता है मसाना, तो उनको काफ़ी तेज़ पेशाब लगना शुरू हो जाता है, और फिर एक लेवल ऐसा आता है जब पेशाब और मरीज़ नहीं रोक पाता, और उसको हम ब्लैडर कैपेसिटी कहते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि अब आप बैठे बैठे ही मशीन में पेशाब कीजिए। तो जब मरीज़ मशीन में पेशाब करते हैं, तो हमारे पास कुछ ग्राफ्स आते हैं, जिसमें हम पेट का प्रेशर, मसाने का टोटल प्रेशर, और मसाने की जो मांसपेशी है जिसको हम डेट्रूसर मसल कहते हैं, उसका प्रेशर अलग से समझ पाते हैं। इससे हम बता पाते हैं कि मसाना जो है वो कितना काम कर रहा है, और क्या वो इतना ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा कि उससे कोई किडनी पर डैमेज हो रहा हो, या पेशाब भरते हुए क्या मसाना उस पेशाब को आराम से भरने दे रहा है अपने अंदर, या उसकी मसल उस पेशाब को भरने से रोक रही हैं, जिसको हम कभी कभी पुअर कंप्लायंस कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे पेशाब के बाहर के गेट्स हैं, जो कि पेशाब को निकलने से रोकते हैं, जिनको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, इनके फंक्शन को भी, इनके काम करने के तरीकों को भी हम यूरोडायनेमिक स्टडी से टेस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के यूरोडायनेमिक स्टडी जो है वो एक घंटे का टेस्ट होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन परहेजों की, जो हमारे पेशेंट्स को हम सुझाव देते हैं कि उनको करना चाहिए यूरोडायनेमिक टेस्ट से पहले। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें दोस्तों कि जो आपका लैटिन है वो अच्छे से साफ़ हो जानी चाहिए, यानी कि 2-3 दिन तक कोई कब्जी आपको नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो हम लैटिन के रास्ते एक पाइप डालते हैं, वो पेट के प्रेशर को ट्रांसमिट करती है, और अगर हमारे लैटिन के रास्ते में लैटिन भरी होगी तो वो प्रेशर ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम किसी लैक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आराम से उनका पेट साफ़ हो सके, और पेट साफ़ होने के बाद ही इस टेस्ट को किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर इस टेस्ट को करने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो हमारा सुझाव ये रहता है कि आप कुछ एंटीबायोटिक लेके उस इन्फेक्शन को या तो ठीक करें, या फिर जब आप आते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स को इंजेक्शन द्वारा या गोलियों द्वारा आपको देते हैं, और टेस्ट के बाद भी वो कुछ दिन के लिए हमें खानी पड़ती है दोस्तों। यूरोडायनेमिक स्टडी एक एडवांस्ड यूरिन फंक्शन का टेस्ट है, और बहुत सारे पेशेंट में जहाँ पे ये बीमारी समझ नहीं आती कि पेशाब में तकलीफ क्यों हो रही है,
जब हम पेशाब का स्तर चेक करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक मिलता है, यूरिन का फ्लो फिर भी कम आ रहा होता है, और डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अब हम आगे क्या करें। तब ये टेस्ट जो है ये एक रोशनी की किरण है और इससे बहुत सारे मरीजों का सही डायग्नोसिस बन पाता है और उनका फिर सही इलाज हो पाता है। दोस्तों, अगर यूरोडायनेमिक स्टडी से रिलेटेड कोई सवाल हैं आपके तो आप हमें ज़रूर लिखें, हम उनका जवाब आपको अवश्य देंगे।